हरियाणा को बड़े हुए, आज तक हमारे यहाँ स्पेशलिटी कैडर नहीं है कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट डायरेक्टली स्पेशलिस्ट आए और वो मरीजों की सेवा कर सके। तो ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी स्पेशलिटी कैडर होना चाहिए, जो हमारे बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स हैं वहाँ भी स्पेशलिटी कैडर है, जिसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर राज्य कहते हैं। लेकिन हमारे राजनेता, हमारे हायर अथॉरिटी सभी हरियाणा को नंबर वन कहते कहते कभी भी नहीं थक पाते, लेकिन 55 साल के बाद भी यहाँ पे स्पेशलिटी कैडर नहीं है। उसका नुकसान आम जनता को है, क्योंकि एक एक डॉक्टर के पास 300-400 लोगों की लाइन लगी होती है और वो 6 घंटे में कितना देख पाता होगा ये सभी समझते हैं। इसीलिए हमने ये पूरी डिमांड 2-3 साल से चली आ रही है, जिसमें स्पेशलिटी कैडर बनना चाहिए और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हीं में से ही उनकी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें से 40% लोग हमारे यहाँ एवरी ईयर उन्हीं में जा करके वो भी स्पेशलिस्ट बन जाएं, जिससे कि जन सेवा हो सके पब्लिक की। थर्ड जो चीज़ है कि जो डायरेक्ट SMO बढ़ते हैं, जो बाहर से 2-3 साल के सर्विसेज के बाद डायरेक्ट SMO बन जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं लेकिन अपनी स्पेशलिटी का काम नहीं कर पाते, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेने के चक्कर में डायरेक्ट SMO और फिर बाद CMO बनते हैं। तो मेरे तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो सिविल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो स्टेट में है, उन सभी को ही मरीज देखना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे लगभग स्पेशलिस्ट हैं। इवन डायरेक्टर DG उनको सभी को भी मरीज देखना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से लगभग 60 स्पेशलिस्ट हमारे पूरे हरियाणा स्टेट में केवल एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे हैं, उनको भी मरीज देखना चाहिए। कोरोना काल में ऐसी जो डॉक्टर छुट्टी पे जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा? कोरोना काल 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमें रिक्वेस्ट करते करते सरकार से 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो कोरोना आज पहले दिन नहीं हुआ है, 2 साल से चल रहा है। कोरोना के कारण ही हम बार बार राजनेताओं के अश्योरेंस के बाद हम बार बार पोस्टपोन करते आ रहे थे आज तक, लेकिन फिर भी उनकी अश्योरेंस देने के बावजूद उनके दिल में ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ हमारे लिए या आम जनता के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर एनके सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट CMS जी। हड़ताल का मामला हमारे डॉक्टर की काफ़ी लंबे समय से पूरे हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की डिमांड थी कि पूरे प्रदेश में स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश में स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है और डॉक्टर्स जिनकी 20 साल की सर्विस हो जा रही है वो रुकना नहीं चाहते, वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के अलावा दूसरे और काम, यानी कि अगर उनकी स्पेशलिटी नाक कान गला विशेषज्ञ की है तो उसके अलावा उनके पोस्टमार्टम करवाए जाते हैं, दूसरे काम करवाए जाते हैं जी। तो इसलिए स्पेशलिस्ट कार्डर बनाना एक बहुत ज़रूरी है, इसकी डिमांड। दूसरा जो हमारी PG पॉलिसी है, यानी कि जो हमारे ई सर्विस के डॉक्टर हैं उनको 40% का कोटा मिलना चाहिए PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तीसरा जो डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट की बात सरकार कर रही है, जिसकी वजह से कुछ खास बनते या डायरेक्टर बनते हैं, तो हमारी मांग थी कि इसको रोका जाए, जो ऑलरेडी जिनका प्रमोशन जो हो गया उनको प्रमोट किया जाए। तो ये 3 मुख्य मांगे थी सरकार को हमने भेजी थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा रोष था, कोविड ऑलरेडी जो है देख रहे हैं कि कितना पीक पे है और हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की सिचुएशन हमें उठानी पड़े, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है कि सारे डॉक्टर इस स्तर पे जाएं। तो आज हमने OPD सेवाएं बंद की हुई है और अगर सरकार को 2 दिन का समय और दे रहे हैं 12 और 13 तक, अगर उचित कार्रवाई सरकार हमारी डिमांड की नहीं करती है तो 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। क्या डॉक्टर आपने क्या प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है? प्रशासन ये डॉक्टर बताएगा, हमने प्रशासन को ज्ञापन कई बार दे चुके हैं जी, और अब सो फिर को दोबारा से सबको ईमेल कर दी है, स्टेट को भी कर दी गई थी और डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे DC साहब है उनको भी, सिविल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर सभी को हमने ईमेल कर दी थी। उससे पहले हम MLA को भी ज्ञापन दे चुके हैं, हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट भाई जहाँ पे कोई मंत्री है अगर मंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो हमारे जो राजनेता हैं हरियाणा के, वो ये कहते कहते नहीं थकते कि नंबर 1 है हरियाणा।